इतना टाइम फुस हो गया, तो प्लान बी जो मैंने सोच के रखा है होना तो चाहिए, वो करेंगे। गुड मॉर्निंग, तुम्हारा उठते ही 1-2 स्टार्ट हो जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदमी बाबा। गुड मॉर्निंग डिंपल बॉय, शो यू मी योर डिंपल, शो मी योर डिंपल, ये शो मी योर डिंपल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी, सो भाई साहब पॉटी करके खाली हो चुके हैं तो इनको नहाना है। सो मैं सोची अभी चलो पहले इनको नहला के खाली करते हैं, रुको दिखाते हैं। रूम सेट कर दिया है मैंने, ये देखो नंगू पंगू। चलो पॉटी हो गई ना, चलो नहाई नहीं करेंगे। हाँ इनको नहला देते हैं, अभी सारा रूम वूम तो सेट कर दिया है, अभी मुझे इतने बर्तन भी धुलने हैं। तो सोच रही हूँ नहला दूँ, फिर बर्तन धुल लूँ, फिर नहा के कपड़े धुल के पहले ये काम करके खा ली हूँ, फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे। और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, वो मैं बताती हूँ कि क्या। सो ये पहुँच गए नहाने के लिए, भाई साहब रेडी हो गए और ये कपड़े हैं, अभी और कपड़े निकलेंगे। नहीं करो, क्या कर रहे हो ये तुम? हाँ अपना ही नहाना रेडी हो गया ये। शावर अंदर लो, जाओ नहाओ जल्दी यार, नहाओ। मम्मा नला है? ठीक है नला। ये देखो फेवरेट फूल है इनका। हाँ देख, यादवी का फेवरेट फूल है। हाँ चलो, हाँ हो गया, चले हो गया। नहीं नहीं कुछ नहीं निकलना है। अच्छा अच्छा ओके, मर 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 मर, चप 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 चप। आज की तरह एकदम अच्छे से बैठ गया उसके अंदर। निकलेगा कैसे? स्टैंड अप, स्टैंड अप, जाओ चलो निकलो। हो गया बस बस, अब नहीं निकलो, निकलो हो गया, बहुत हो गया। अच्छा भाई साहब मजा आने लगा इनको। ये देखो ठाकुर नहा के आ गए हैं। हाँ छुपा लो छुपा लो छुपा लो, चलो आप कपड़े बना चलते। ये हो गया आदमी रेडी नहीं नहीं करके, अभी फटाफट ब्रेकफास्ट खाएगा है ना। चलो सो बर्तन तो हो गया, अब चलते हैं आगे काम करते। लड़का ब्रेकफास्ट करके क्या कर रहे बेटे? ये हाँ भाई साहब थोड़ा बिजी हूँ तो मैं नहा के आऊँ, बर्तन तो धुल लिया है, नहा के कपड़े धुल रहे हैं, उसके बाद आके भाई साहब के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट क्या, ब्रेकफास्ट तो खा लिया है। और लंच, सो लंच में मैंने बताया, मैंने जैसे बोला मैं स्पेशल कुछ बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ ओट्स डोसा विथ नारियल की चटनी। बड़ी लड़का मान नहीं रहा, देखो क्या कर रहा। देखो तो ये जब मानेगा तब ना मैं जाके नहा के आ सकती हूँ। ये लड़का देखो सोने के बिल्कुल मूड में नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो मैं बाकी काम कर लेती हूँ। इधर डोसा का काम कर रही हूँ, सो ये मैंने दाल का पाउडर बनाया है और मैं और ओट्स डोसा बना रही हूँ ना मैं, तो मैंने ओट्स भिंगो कर दिया, अब उसका पेस्ट बनाएंगे। ये हो गया हमारा ओट्स बैटर रेडी, नारियल की चटनी, अब इसको तड़का देंगे और फिर डोसा बनाएंगे। ये देखो हमारी नारियल की चटनी इतनी अच्छा लग रहा है देख के ना, वाह तड़का दे दिया मैंने, और फटाफट एक डोसा बना के भाई साहब को खिला देते हैं। थोड़ी सी नारियल की चटनी ना आधे को टेस्ट कराते हैं। ये देखो मंगू पंगू बैठ के, फिर भी डोसा फल अभी टेस्ट कराया मैंने थोड़ा सा। यम यम यम, यू लाइक इट? यस है ना, चलो डोसा बना देते तुम्हारे लिए। आदवी के लिए मैं छोटा डोसा बना रही हूँ, ये लड़का इतना उपद्रव मचा रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये बन जाए तो मैं इसको खिलाऊँ पहले। ये आदवी को चलते खिलाते हैं। आइए बेबी डोसा खाएगा फिर चटनी। हाँ चलो बैठो। कैसा है? यम यम, यू लाइक इट? मम्मा फर्स्ट टाइम बनाई बेबी तुम्हारे लिए, नाइस हाँ। सो मैं इसको फर्स्ट बाइट दी हूँ तो खा रहा है। खिला दूँ फिर सुला दूँ फिर उसके बाद ही मैं नहा पाऊँगी और कपड़े धुल पाऊँगी और बाकी काम कर पाऊँगी। आज कुछ ज़्यादा उपद्रव किया नहीं ना, मतलब बाहर गया नहीं तो थका नहीं है, तो ये सोएगा भी नहीं, मुझे नहाने भी नहीं दे रहा।
थोड़ा मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। नारियल की चटनी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा इसको खिलाती हूँ। फाइनली ये लड़का सो गया, बहुत लेट हो गया। अब मैं जाती हूँ फटाफट नहा के कपड़े धुल के आती हूँ। अभी पार्क जा रहे हो? डाडा तो उधर जा रहे हैं, जाओ डाडा के पीछे पीछे उधर ही जाओ। फाइनली मिस्टर उपद्रव डाडा के साथ गए घूमने के लिए। कपड़े जो मैंने धुल के डाल दिए हैं। आज आदविक ने इतना परेशान किया ना, परेशान क्या क्या करता बेचारा, वो उसकी एनर्जी उस लेवल की वेस्ट ही नहीं हो पा रही थी कि वो सो जाए। तो इतना करते 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 जैसे ही वो सोया, आधा घंटा भी नहीं सोया, और उस आधे घंटे के बीच में दो बार वो उठा। तो मैं कपड़े धुल रही थी, फिर से मुझे कुछ तो शायद डरावना सपना देखा उसने और उठ गया था। फिर मैं आई आके सुलाया उसको, फिर उसके बाद ऐसे किया, ऐसे करके कैसे कैसे सोया। फिर मैं नहा के आई, कपड़े धुल के आई, फिर उसका फिर उठ गया। डाडा आ गए तो उसके बाद फिर वो उठ गया, फिर अभी गया है खेलने के लिए। तो बेचारे के लिए कुछ तो मुझे देखना ही पड़ेगा अभी इधर, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गया। तो मैं सोची थी कि घर जाऊंगी, क्योंकि अब इतनी लंबी छुट्टी मिलेगी नहीं और इतना लंबा हम घर जा नहीं पाएंगे। बट बॉब के डाडा ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, अब इतनी लंबी, जब अभी समर वेकेशन था तो मैंने बोला कि चलो अच्छा टाइम है, जाके आ सकते हैं। बट जब इसकी क्लासेस रहेंगे तो मैं इतना जल्दी इतना लंबा लंबा छुट्टी नहीं जा सकती ना। तो फिर मैंने उनको बहुत क्लियरली बोला है ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, कोई बात नहीं, बट हम इतनी लंबी छुट्टियाँ नहीं जा पाएंगे जब उसकी क्लासेस चलेंगे। तो ही वॉज ओके विद दैट। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर आप वही चाहते हो तो ठीक है, ही डोंट वॉन्ट मी टू गो माई एट माई प्लेस। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। कितने मतल भी है यार मेरे पति, घर पर नहीं जाने दे रहे मुझे अपने। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बिना छुट्टी के मैं कहीं भी अब लंबे छुट्टियां नहीं, अब मैं नहीं रहूंगी इवन मेरे घर पे भी। मैंने बोला तो अच्छा मौका है कोई बात नहीं चलो। और बाय द वे मैंने आज बनाया था इंस्टेंट ओट डोसा, डोसा नहीं होता है डोसा, सो वो बनाया था वहाँ विथ कोकोनट की चटनी आदविक के लिए। उसने ज़्यादा तो नहीं खाया बट एटलीस्ट उसने जो छोटा मिनी चोप डोसा उसके लिए बनाया था ना मैंने, तो उसने वो खाया। बॉब के डैडा के लिए रखा हुआ है, वो अभी आके पहले उनको दाल चावल खाना था तो वो दाल चावल खाएं, येलो दाल उनका पता नहीं इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया है एक टाइम अभी कि उनको वही चाहिए था, तो उन्होंने वो खाया। तो रात को खाएंगे, मैंने तो खाया मुझे बहुत पसंद आया। वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा फील दे रहा था क्योंकि उसमें मैंने ओट्स के साथ थोड़ा सा वो दाल भी डाला था ना, तो बहुत ही क्रिस्पी सा अच्छा सा बना था तो पसंद आया। वो किया और अब क्या, अब कुछ नहीं करेंगे। सो अगर आपको वो रेसिपी चाहिए डोसे की तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी और वो आपको आराम से डेली बना सकते हो। ये डोसा 15 मिनट लगेगा बनाने के लिए, इजी रेसिपी है। तो कमेंट करके बताना तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको वो रेसिपी। और आई थिंक ज़्यादा बोर नहीं करूंगी, आज के लिए इतना ही। आई सी यू गाइस टुमारो विद अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी बी हेल्दी, सब्सक्राइब टू दी चैनल, हिट ऑन दी बेल आइकन एंड कमेंट कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है। एंड आई सी यू गाइस टुमारो एंड ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ओके, डोंट फॉरगेट दैट, हम वहाँ पर रील्स अपलोड करते हैं। और बस ऐसे ही चल रहा है, अभी समर वेकेशन के लिए कुछ तो कुछ प्लान करेंगे, क्या प्लान करेंगे जल्दी ही बताऊंगी, क्योंकि घर तो नहीं जा रहे ना, इसलिए प्लान भी प्लान यही था मेरा कि जैसे समर वेकेशन स्टार्ट होगा तो घर जाएंगे, बट टा टा खुश हो गया। तो प्लान भी जो मैंने सोच के रखा है होना तो चाहिए, वो करेंगे, अदरवाइज प्लान सी ढूंढना पड़ेगा। ओके देन बाय टाटा।